एवरीवन, अगर आप हेयर फॉल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर आपके हेयर स्लो ग्रो कर रहे हैं या फिर ऐसे ही आप अपने हेयर की नेचुरल ब्यूटी बढ़ाना चाहते हो, तो ये रहे कुछ आसान से नेचुरल टिप्स जो बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे फॉलो कर सकते हो। सो फर्स्ट नेचुरल टिप है फेनुग्रीक सीड हेयर मास्क। तो फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना जो होता है वो जाना जाता है हमारे हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन अप करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है एंड हेयर फॉल को कम करता है। तो फेनुग्रीक सीड हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेथी दाना ले लेना है, आपको 2 चम्मच मेथी दाना ले लेना है, उसको एक ग्लास बोल के अंदर सोक होने के लिए रख देना है, पूरी रात के लिए इसको पानी के अंदर सोक होने देना है एंड मॉर्निंग में ये जो मेथी दाना है वो सोक होके थोड़ी सी बड़ी साइज का हो गया होगा तो इसको हमें ग्राइंडर में पेस्ट बना लेना है एंड ये पेस्ट को बाउल में लेके बस इसके अंदर 2 से 3 चम्मच हमें कोकोनट ऑयल के डाल देने हैं, प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड अपने हेयर के स्कैल्प में अच्छे से इसकी मसाज करते हुए ये मास्क अप्लाई कर लेना है। अपने हेयर में भी आप लगा सकते हो, स्कैल्प में भी लगा सकते हो। इसको 30 मिनट तक रहने देना है एंड फिर माइल्ड और जेंटल शैम्पू से आपको शैम्पू करके अपने हेयर वॉश कर लेने हैं। आपके हेयर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रेंथन अप हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ भी होगा एंड हेयर फॉल भी कम होगा। दूसरी टिप है आमला ऑयल हेयर मसाज। आमला जो होता है वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो हमारी हेयर की स्ट्रेंथ तो बढ़ाता ही है, हेयर ब्रेकेज को भी रोकता है एंड हेयर ग्रोथ करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो आपको आमला ऑयल ले लेना है एंड उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है एंड फिर ये आमला ऑयल आपको अपने हेयर के 2 पार्ट कर लेने हैं एंड फिर आमला ऑयल की अपने स्कैल्प पे सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। 5 से 10 मिनट तक आप इसकी मसाज अपने स्कैल्प में कीजिए, इसको रहने दीजिए 30 मिनट्स तक एंड फिर एक माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर वॉश कर लीजिए। तो अब तीसरी टिप है एक आयुर्वेदिक रेमेडी जो है ब्राह्मी एलोवेरा हेयर पैक। तो इसके लिए आपको 1 मुट्ठी ब्राह्मी के जो पत्ते आते हैं वो ले लेने हैं, उसको मिक्सी ग्राइंडर के अंदर डाल देना है, उसके अंदर आपको 3 चम्मच एलोवेरा जेल के डाल देने हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। ब्राह्मी जो होता है वो जाना जाता है अपनी रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज की वजह से जो हमारी हेयर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हेयर फॉल को भी कम करता है, हेयर ग्रोथ तो बढ़ाता ही है और साथ ही साथ हमारे हेयर को स्मूथ भी करता है। एलोवेरा जो होता है वो जाना जाता है स्मूदिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज की वजह से जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही बढ़िया एनवायरमेंट रेडी करता है जिसकी वजह से हमारे हेयर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब अपने ब्राह्मी एलोवेरा का जो पैक रेडी किया है उसको अपने हेयर में सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अप्लाई कर लेना है, स्कैल्प में भी अप्लाई कर लेना है, उसको भी 30 मिनट तक रहने देना है एंड फिर थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर और माइल्ड शैम्पू के साथ अपने हेयर वॉश कर लेने हैं, उसके बाद कंडीशनर भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। जो 4th टिप है वो एक हेयर केयर टेक्निक है स्कैल्प सिम्यूलेशन जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन आपको अपनी स्कैल्प के अंदर बढ़ाना है तो इसके लिए आपको अपनी फिंगर टिप्स जो होती है वो सर्कुलर मोशन में अपने हेयर में 5 से 10 मिनट तक मसाज करनी है, वो भी एवरी डे। आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो एंड पीछे तक आपको मसाज करनी है डेली। आप 5 से 10 मिनट मसाज कीजिए, आपकी ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प में बढ़ेगी जिसकी वजह से आपका हेयर ग्रोथ जल्दी होगा, हेयर फॉल जो हो रहा होगा वो भी कम होगा। आप इसको बिफोर शावर और आफ्टर शावर भी कर सकते हो लेकिन डेली करना चाहिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा स्कैल्प में तो आपकी हेयर हेल्थ भी काफी इम्प्रूव होगी। जो 5th टिप है वो है एक योगा टेक्निक। योगा सिर्फ हमें रिलैक्सेशन ही नहीं देता, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है और स्ट्रेस लेवल भी कम करता है जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जो हेयर स्कैल्प में आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा वो योगा पोज कुछ ये है। तो सबसे पहला पोज है ये, तो ये आपको करना है, इससे आपका स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जिससे आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट होगा। दूसरा स्टेप ये है जो रैबिट पोज है, ये भी आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा एंड आपके हेयर फॉलिकल्स को काफी स्ट्रेंथन अप करेगा। तो ये 2 योगा पोजेस आप ट्राई कर सकते हो जो आपके हेयर को ग्रो करने में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये कुछ 5 नेचुरल रेमेडी है जो आपके हेयर को ग्रो करने में हेल्प करेगा, आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल करेगा, आपकी हेयर की हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। तो जरूर ये 5 टिप्स आप ट्राई कीजिए एंड आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। सो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।